नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद रैना बोल रहा हूँ। मेरा नंबर है 9871605858। मैं सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, मेल इनफर्टिलिटी की और पेंस एनलार्जमेंट की। बहुत सारे पेशेंट्स आजकल हमारे पास आते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कहते हैं कि सर, हमको सेक्स करने का मन नहीं करता है, हमको सेक्स करते वक्त दिक्कत होती है, हमको प्रीमैच्योर एजुकेशन होता है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसमें से जो ये नौजवान लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब होता है। कोई वॉक नहीं करते हैं, सवेरे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच प्रॉपर करते नहीं और डिनर बहुत हैवी करते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वेट उनका बढ़ जाता है, उनका जो एब्डोमेन है वो बढ़ जाता है और डायबिटीज़ या ओबेसिटी की बीमारियां हो जाती हैं। आपको अगर फिट रखना है, अगर आपको बिल्कुल फिट रहना है और अगर आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है और आपकी सेक्सुअल लाइफ बढ़िया हो, तो दोस्तों आपको दो तीन चीज़ें करना ज़रूरी है। एक, सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसको बंद करो, अगर आप हैवी ड्रिंकिंग करते हैं उसको बंद करो। आपको एक घंटा वॉक करना है, आप सवेरे उठेंगे, एक घंटा वॉक करिए। आपको एक घंटे में 6 से 7 किलोमीटर चलना है। साथ में अगर आप 10 से 15 बादाम डेली खाएंगे भिगो के, रात को सवेरे उसको खाएंगे, शाम को भिगोया और सवेरे खा लिया, 2 अखरोट रोजाना भिगाओ और उसको खाओ, ये आपको बहुत मदद करेगा। साथ में अगर आप ब्रोकली खाते हैं तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। अगर आप काली उड़द की दाल खाते हैं हफ्ते में 2 बार, वही बहुत आपको मदद करेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो फिश हफ्ते में 2 बार खानी। दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो 100% आपकी सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो दोस्तों इट इंडिकेट्स दैट यू आर हैविंग सीवियर प्रॉब्लम। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बेलेंस है, आपका FSH, LH, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में चेंजेस आए हैं, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो दोस्तों, एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है? जो पढ़ा लिखा हो, जो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करे, आपकी टेस्टिंग करे, उसके बाद प्रॉपर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे और वो दवाई अपने यहां से ना दे। या बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम आपको हर्बल मेडिसिन खिलाएंगे या आयुर्वेदिक मेडिसिन खिलाएंगे या और कोई मेडिसिन खिलाएंगे। वो क्या करते हैं, वो पूड़ियों में दवा डालते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक डिब्बों में दवा डालते हैं और आपको वो खिलाते हैं, आपको बोलते हैं कि ये आप खाओ क्योंकि ये हमारी रिसर्च वाली दवा। दोस्तों, टोटल गलत है, बिल्कुल ऐसी दवा नहीं खानी है। आप डॉक्टर के पास जाइए, वहां पर आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए, प्रिस्क्राइब करें अपने आप को दवा और फिर वो दवा खरीद के खाए, 100% आप ठीक हो सकते हैं। आप अगर ये चीजें सारी करेंगे, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और साथ में दोस्तों, आजकल मेल इनफर्टिलिटी की बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत पेशेंट्स परेशान होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि उनका भी लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब होता है। छोटे छोटे यंगस्टर्स इतनी स्मोकिंग करते हैं, सवेरे 7 बजे उठते हैं, 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, शाम को 8-9 बजे ऑफिस से निकलते हैं, 10-11 बजे घर पहुंचते हैं, तो उनके पास खाने का प्रॉपर टाइम नहीं है, सोने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। रात को वो व्हाट्सएप पे बैठते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं। तो दोस्तों, सवेरे 3-4 बजे सोते हैं और सवेरे 7 बजे और उनको ऑफिस जाना होता है, तो 3 से 4 घंटे नींद में कहां पर हार्मोन्स रिलीज होंगे? अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको सोना जरूरी है, सोना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको 6 से 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है। अगर आप 8 घंटे सोते हैं या 7 घंटे सोते हैं तो आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रात के 2 बजे से 4 बजे तक ही रिलीज होता है, लेकिन उससे पहले आपको 3 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए।
तो मेरे भाइयों, अगर आप रात के 4 बजे सोओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कभी रिलीज नहीं होगा, डोपामिन नहीं बढ़ेगा, एड्रेनालिन नहीं बढ़ेगा। तो सोना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद लीजिए, खाना डाइट को इंप्रूव करिए, जो आप जंक फूड खाते हैं उसको बंद करो, पिज्जा खाना बंद करो, बर्गर खाना बंद करो, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करो। उसके बदले अगर आप दूध पीते हैं, अगर आप गाय का दूध पीते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से हो जाएगी। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9871605, या आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.bestdoctorsindelhi.com www.bestdoctorsindelhi.com। धन्यवाद।